अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बात करते हैं। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ में हम बैलेंस्ड फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं और सेकंड लॉ में हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करते हैं और थर्ड लॉ में हम इक्वल फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं कि फोर्सेस आपस में एक और तरह के इक्वल फोर्सेस भी होती है। इसकी स्टेटमेंट देखिए, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। When an object A exerts force on object B written as FAB, जब आपके पास object A जो है वो let's say अगर आप कोई भी दो object consider कर लें, एक ये object consider कर लें और एक ये कर लें, ये object A consider कीजिए, ये B, और object A जो है वो B के ऊपर force apply करता है, तो object B भी इसी magnitude का लेकिन direction में opposite force apply करेगा इस तरह, और इसकी direction कुछ यूं हो। तो अगर ए जो है वो बॉडी बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है तो हम उस फोर्स को एफ और नीचे ए बी लिख देते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी आल्सो एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, तो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा, रिटन एज एफ बी ए। तो इसी अंदाज से हम लिखेंगे एफ बी ए, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट बी की तरफ से ऑब्जेक्ट ए पर अप्लाई करदा फोर्स को हम एफ बी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये फोर्स जो है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो मैथमेटिकली इनको क्या कैसे लिख सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स आप लोगों को नजर आ रहा है ये डायरेक्शन की ऑपोजिशन के लिए नजर आ रहा है, तो नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहा है कि ये दोनों फोर्सेज ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होंगी। हियर द नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स एफ बी ए इज ऑपोजिट टू द फोर्स ए बी, यानी कि एफ बी ए फोर्स जो है वो एफ ए बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम इसको जरा डेली लाइफ से कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं यही डेफिनेशंस को, देखें जरा। अब व्हेन अ फुटबॉल इज किक्ड, जब फुटबॉल को किक किया जाता है, द फुट एग्जर्ट्स द फोर्स एफ ए बी ऑन द फुटबॉल, यानी कि अगर आप फुट को जो है वो क्या कंसीडर कर लें स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ए कंसीडर कर लें और फुटबॉल को आप जो है वो बी कंसीडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो फुट जो है वो बॉल के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और उसको हम एफ ए बी कहेंगे। As a reaction to that, a football exerts an equal and opposite force FBA on the foot. तो इसी जो है वो फोर्स, इसी फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में फुटबॉल भी एक फोर्स जो है वो एग्जर्ट करता है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स का नाम देते हैं, और वो फोर्स एफ बी ए कहलाएगी और दोनों को हम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए कहेंगे। द फोर्स ए, द फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बी, ऑफ द फोर्स ऑफ बी ऑन ए। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी के फुट ने फुटबॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है, वो फोर्स एफ ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और फुटबॉल ने फुट के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है और वो एफ बी ए से रिप्रेजेंट की है, चूंकि ये फुटबॉल की अप्लाइड करदा फोर्स फुट की अप्लाइड करदा फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन लिखा हमने। द फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ बी ऑन ए। सर आइजिक न्यूटन डिस्क्राइब दीज टू फोर्सेज एज एक्शन रिएक्शन पेयर। आइजिक न्यूटन ने, इन दोनों फोर्सेस को, कि अगर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करे तो दूसरी बॉडी बदले में
पहली बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, तो इन दोनों फोर्सेस को न्यूटन ने एक्शन और रिएक्शन पेयर का नाम दिया। जो फर्स्ट बॉडी फोर्स अप्लाई करती है उसको एक्शन कहा जाता है, और जो सेकंड बॉडी फर्स्ट के ऊपर अप्लाई करती है उसको रिएक्शन बोला जाता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है, लेकिन वो रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। एक्शन रिएक्शन कैन नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर। आपको मालूम होना चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं कर सकते, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीज पर ही एक्ट कर रहे होते हैं। एक्शन ऑन वन बॉडी एंड रिएक्शन ऑन अनदर बॉडी। जैसे कि अगर आप इस फुटबॉल की एग्जाम्पल लें, तो फुट जो है वो फुटबॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है FAB। ये हमारे पास एक्शन फोर्स होती है जो कि फुटबॉल के ऊपर अप्लाई हो रही है, और फिर फुटबॉल फुट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करती है वो FBA, और ये फुट के ऊपर अप्लाई होती है तो ये रिएक्शन फोर्स है, चूंकि एक्शन फुटबॉल के ऊपर हो रहा है और रिएक्शन फुट के ऊपर हो रहा है। तो इस तरह एक्शन और रिएक्शन दोनों मुख्तलिफ बॉडीज के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। तो सिंपली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हम उसको सिंपली एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन अ सिंपल सेंटेंस, इन अ सिंपल वन सेंटेंस, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होती है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हमें अपने वैल्यूएबल सजेशन भी दे दिया करें, ताकि हम अपनी वीडियोस में और बेहतरी ला सकें आप लोगों के लिए, और आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।